तुमने इंटरनेट पे ये बात तो कभी ना कभी सुनी ही होगी कि ब्रो अभी तेरी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच में है ना, अभी तू पढ़ाई करने पे ध्यान दे, अभी तू जिम को छोड़ दे, अभी तू लड़कियों से बात करना छोड़ दे, क्योंकि तू एक मर्द है और मैं नहीं जलाएगा फाइन वाइन। मैं तुम्हें देखो एक ब्रूचुअल ट्रूथ बताता हूँ, दिस इज एन एब्सोल्यूट लाई, अ कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है खुद को झूठ बोलना, खुद को झूठी रियलिटी में रखना, खुद को ही खुश करने के लिए। एंड मैं ये तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय करने आ चुका हूँ, क्योंकि वेल इंडिया का बेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल कौन सा है? चैट टैक। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, देखो गाइस, तुम बचपन से ही ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते आए हो, सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन, द रॉक जॉनसन, जो कि 40 में 35 में वे बेटर दिखते थे कंपेयर टू देयर 20s। एंड तुम्हें लगता होगा कि तुम भी ऐसे ही होगी। आई मीन एक ऑब्वियस थॉट है ये तो, बट द रियलिटी इज फार फ्रॉम इट। क्योंकि जो लोग 40-35 में अपने पीक पर आते हैं ना, जैसे रॉक, इन सब की रोजी रोटी इनके शरीर से चलती है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द रॉक। रॉक 50 साल का आदमी है एंड इतना फिनोमिनल दिखता है, हम उसको देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, तुम भी लेते होगे कि मैं भी 50 में ऐसा दिखूंगा। वेल गेस व्हाट, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है फिनोमिनल दिखने के सिवा। अगर उसकी बाजू में इतनी सी हो गई, गर्दन इतनी सी हो गई, इट इज ओवर फॉर हिम, कोई उसको एक्शन मूवीज में लेगा, क्योंकि वो एक एक्शन स्टार बन चुका है। जितने भी सेलिब्रिटीज 30-35-40 में भी फिनोमिनल शेप्स में दिख रहे हैं, उनकी उससे रोजी रोटी चलती है, उनका शरीर ही उनको पेट भर कर देता है, उनका शो बिजनेस वाला धंधा है। तुम अपने आसपास देखो 35-40 साल के लड़कों की क्या हालत है, इतना पेट पड़ चुका है। हाउ विल दे एज लाइक अ फाइन वाइन। ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका रोजी रोटी अपने शरीर से चलती है, दे हैव डेडिकेटेड टीम जो कि उनके शरीर के ब्लड वर्क्स रेगुलरली कर रही है, जो कि उनको रेगुलर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस दे रही है, जो कि रेगुलरली उनका पूरी बॉडी का एनालिसिस कर रही है, उनकी स्लीप ट्रैक कर रही है, उनकी डाइट ट्रैक कर रही है। तुम वो कैसे मैनेज करोगे? आई मीन अगर तुम एग्जांपल भी लेकर देखो, मोस्ट ऑफ द फीमेल सेलिब्रिटीज बॉलीवुड हॉलीवुड की देख लोगे, 90% ऑफ देम प्राइम पे गई, मोस्ट ब्यूटीफुल फेस पे, मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी पे, एंड दैट इज इट, वहां से सब कुछ डाउनहिल जाना शुरू हो गया। सो ये तो प्रूव करता है ना कि मैन जो है वो फाइन वाइन की तरह एज करते हैं कंपेयर टू वुमेन। वेल हाँ, करते हैं एंड करने भी चाहिए, पर तुम्हें एक बात पता है, इवन द सोसाइटी नोज इट, एंड इसीलिए सोसाइटी मेन से ज्यादा डिमांड करती है। इवन अगर एक अरेंज मैरिज है, वहां पर एक गंजा लड़का बिगर नेगेटिव है, बिगर साइड इफेक्ट है कंपेयर टू एक मोटी लड़की के। एंड एज अ मैन, तुम ना ही इस सोसाइटी से लड़ रहे हो, इनकी एक्सपेक्टेशन से लड़ रहे हो, जो कि तुम्हें हमेशा जवान समझती है, तुम्हें अपनी फैमिली संभालनी पड़ती है, तुम्हें दिन रात ऑफिस में जाना पड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट यू, जो कि तुम्हारी मर्दानगी टेस्टोस्टेरोन वही DHT बन जाता है, एंड वही तुम्हारे सर के बालों को छुपा देता है। एंड गेस व्हाट, अगर एक बार बाल चले गए तो तुम 25 साल ऐसे चुटकी बजाकर एज कर जाते हो। एंड अगर हम एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वैसे तो मैन को परफेक्ट एज करना चाहिए, पर थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। आज के टाइम पर मैन आर हैविंग ईस्ट्रोजेनिक गिल्टीज इन देयर चेस्ट, यहाँ पर बूब्स बन जा रहे हैं उनको, टिट्स बन जा रहे हैं। तो जो लड़के इतनी यंग एज में यहाँ पर गायनो लेकर घूम रहे हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम कि वो ही बच्चे बड़े होकर फाइन वन की तरह एज करेंगे? जितना तुम्हारे इर्द गिर्द एनवायरमेंट है, जितना पानी में प्रदूषण है, ऑल ऑफ दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट यू। जो एवरेज मैन है, जो कि कॉलेज करके निकलता है थर्ड ईयर का, उसको फैट चढ़ जाती है, उसको डबल चिन आ जाती है, उसका सर का चमन दिखने लग पड़ता है। एंड दिखे भी क्यों ना, मैन की लाइफ इजी नहीं है किसी भी एंगल से। मोस्ट ऑफ द मैन थर्ड ईयर तक फुल लाइफ एंजॉय करते हैं, हुकअप्स करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, सिगरेट कंजम्पशन करते हैं, एंड जैसे ही थर्ड ईयर होता है, डैम, दुनिया की सारी मजबूरियां सर पर आ जाती हैं। माँ बाप बोलते हैं पैसा दिखा, रिश्तेदार बोलते हैं क्या कर रहा है, माँ बाप बोलते हैं शादी करवानी है, हमें बच्चा भी चाहिए, हमने बूढ़े हो जाना है, हमें दादा दादी बनना है। थर्ड ईयर के बाद, इतने सारे प्रेशर के बाद और अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करने के बाद पूरी कॉलेज लाइफ में, हाउ कैन अ मैन एज लाइक अ फाइन वाइन। वो थर्ड ईयर के बाद अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, वो अच्छी डाइट पे जाएगा, वो जिम करेगा, वो अपने माँ बाप को खुश करेगा, वो पैसा कमाने जाएगा, करेगा क्या? अगर तुम्हें फाइन वाइन की तरह एज करना, यू नीड एन एक्सीलेंट डाइट, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट। एज अ मैन यू नीड एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कम से कम 100-150 ग्राम के बीच में। एंड तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि प्रोटीन का रेट क्या चल रहा है? 4 किलो प्रोटीन का वे का डब्बा जो है वो इस वक्त 7,000 का पहुंच चुका है। एंड ये पूरी मार्केट का रेट बता रहा हूँ तुम्हें, फ्रॉम एग्स टू चिकन, सब की सब प्रोटीन सोर्सेज महंगे हो चुके हैं। एंड ये महंगे होते जाएंगे, अगले साल 1.5 साल में ये 11-12 हज़ार तक जाएगा रेट, एंड नेक्स्ट 15 साल में ये 20-25 हज़ार तक पहुंच जाएगा। सो जो आज का 15 साल का बच्चा है, जब वो 10 साल बाद 25 साल का होगा, हाउ विल ही एज लाइक अ फाइन वाइन? उसको पैसा कितना कमाना पड़ेगा, फिर उस पैसे से अपनी फैमिली को चलाना पड़ेगा, अपने बच्चों को चलाना पड़ेगा, अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, कुछ सेविंग करनी पड़ेगी, उसके साथ उसको जिम पे खर्चा करना पड़ेगा, फिर डाइट पे। हाउ विल एज लाइक अ फाइन वाइन? अपनी स्लीप कब मैनेज करेगा, अपना स्ट्रेस कब मैनेज करेगा? अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ 21 से 25 साल की उम्र में हार्ड लगती है, तुम्हें लगता है कि यार
मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, मैं सोशल स्किल्स पे वर्क नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत है। गेस व्हाट, ये इजी नहीं होगा, 26 के बाद और हार्ड हो जाएगा, उसके बाद 100 टाइम्स हो जाएगा। अभी तो तुम्हें 4-5 चीजों पर ही फोकस है, पढ़ाई, जिम, डाइट, लोगों से बात करना, सोशल स्किल एटसेट्रा एटसेट्रा। 26 के बाद क्या होगा, जब माँ बाप बोलेंगे पैसा पकड़ा, निकाल सैलरी जो तेरे पे हमने इन्वेस्ट किया, दे वापस पैसा, तब तुम कैसे फाइन वाइन की तरह एज करोगे? बेसिक रिक्वायरमेंट फाइन वाइन की तरह एज करने की होती है, वो होती है स्लीप। तुम्हें कम से कम 8-10 घंटे सोना पड़ेगा। हाउ विल यू मैनेज दैट, हाउ विल यू कोप अप विद दैट? एंड लेट अस जस्ट से तुम 8 घंटे की स्लीप भी मैनेज करते हो, परफेक्ट पैसा भी कमा रहे हो, फैमिली को भी दे रहे हो, खुद पर भी खर्च रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, पर एक और साइड इफेक्ट है, तुम ये सारा पैसा कमाने के लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठा करोगे। हाउ विल यू मैनेज सन एक्सपोजर? धूप तक नहीं नसीब होगी तुम्हें। सो हाउ आर यू गोइंग टू एज लाइक अ फाइन वाइन? तुम्हें बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड 100 में से सिर्फ 5 या 6 लोग होंगे जो कि एज फाइन वाइन की तरह करेंगे। उनको जीवन भर नशों से दूर रहना पड़ेगा, उनको जीवन भर अपनी स्लीप को मेंटेन करना पड़ेगा। वो कितने करेंगे और कितनों का मन होगा और फिर भी नहीं कर पाएंगे, खुद सोच कर देख लो। अब तुम्हें हो सकता है बातें चुभ रही हो, पर मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें बस जीवन का तथ्य बता रहा हूं। वाह, अब तुम पूछोगे मेरे से कि करना क्या चाहिए भाई, उम्मीद हार जाएं, सब कुछ खत्म कर दें। वेल फर्स्ट, यस, तुम्हें होप को खो देना चाहिए, लूजिंग ऑल होप इज फ्रीडम। सेकंड, तुम्हें ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम फाइन मैन की तरह एज नहीं कर सकते अनलेस तुम इनसेन अमाउंट ऑफ एफर्ट डालो अपनी बॉडी पर, अपनी लुक्स पर। पर इशू ये है कि अगर तुम अपनी बॉडी, अपनी लुक्स पर इनसेन एफर्ट डाल रहे हो तो तुम्हें बाकी चीजों को मैनेज करने में मुश्किल होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जिस एज में तुम्हें इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स एंड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि कुछ मत करो क्योंकि बाद में तुमने फाइन वाइन की तरह एज करना है, तुम्हें उसी एज में सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम 21 से 25 साल की एज में लेट होकर, मेहनत कर, सोशल स्किल इंप्रूव कर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर तुमने कई चीजें मैनेज कर ली, अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया है, देन तुम 25 से लेकर 50 साल की उम्र तक स्लीप, डाइट, सब कुछ आराम से मैनेज कर पाओगे। पर अगर तुम 25 तक सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो एंड बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो, लाइक अपना जिम, अपनी डाइट, तो तुम्हारी ट्रेन पटरी से उतर चुकी होगी एंड फिर उसको वापस उठा के रखने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए 18 से लेकर 24-25 साल की उम्र तक गिव योर 100%, नॉट ओनली इन स्टडीज, नॉट ओनली इन मनी। कम से कम तुम इतना तो करना पड़ेगा कि 25 साल तक तुम अपनी पीक फिटनेस पर पहुंच जाओ एंड उसको मेंटेन करके 50 तक चलो, ना कि बाकी क्लाउंस की तरह ऐसा करो कि 25 साल तक जिम ही नहीं मारा, मैं बस JEE/IIT की तैयारी करता रहा एंड अब जिम मारूंगा या बाद में जिम मार लूंगा। नहीं होगा ऐसा, तब नहीं होगा फाइन वाइन की तरह एज। अगर फाइन वाइन की तरह एज करना, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम 19 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में ही अपनी फिजिकल फिटनेस के मैक्सिमम पीक तक पहुंचो, देन उसको मेंटेन करो एंड देन तुम मे बी फाइन वाइन की तरह एज करो। पर इस डिल्यूजन में मत जीना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस अगर डेस्क पर बैठकर इस पोस्चर में भी पढ़ाई करता रहूंगा तो बाद में फाइन वाइन तरह एज करूंगा, क्योंकि मैं तो भाई मैन हूं एंड मैन फाइन वाइन की तरह एज करते, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट लड़कियां हो सकता है बेटर दिखेंगे क्योंकि उनको तो उनका पति संभाल लेगा, उनको ना स्ट्रेस होगा ना कुछ, तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी एंड ये एक जीवन का तथ्य। वाह, और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं बस पढ़ाई करूंगा, आई डोंट केयर, मेरे को किसी बाकी जिम जूम से मतलब है नहीं क्योंकि मैं तो फाइन वाइन की तरह एज करता हूं, तो वेल ब्रदर लेमन चूस सकते हो, पड़ा हुआ है। मैं नहीं चुसवाऊंगा तो जीवन चुसवाएगा एंड वो लाजवाब चुसवाएगा, आहा क्या ही चुसवाएगा, मुंह खट्टा कर देगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेकआउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज, डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। वाह, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेन डोंट एज लाइक अ फाइन वाइन, यू हैव टू बिकम अ वाइन फर्स्ट। जागते रहो। वाह।